गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर वन वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में अब तक आपने देखा होगा कि जितनी भी रिहायशी इमारतें हैं, किसी न किसी में कोई कमियां हैं, बिल्डर्स मनमानी करते हैं और इससे परेशान होकर जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट भी करते हैं, सरकारी अधिकारियों के सामने गुहार भी लगाते हैं। लेकिन आज गुरुग्राम में एक ऐसे मॉल में प्रोटेस्ट हुआ है जिनमें निवेशकर्ताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि मॉल कंपनी ने मॉल के अंदर मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं किया हुआ है। आरोप यहाँ तक है कि मॉल के अंदर ना लिफ्ट चलती है, ना कोई बाथरूम ठीक है, यहाँ तक कि बेसमेंट में शाम को कुछ शराबी युवक आ जाते हैं और वहां बैठकर पूरी पूरी रात शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। इसके अलावा बेसमेंट में जगह जगह जो दीवारें हैं वो खराब हो चुकी हैं, बेसमेंट में पानी भरा रहता है। दरअसल ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम के सोना रोड पर आईएलडी ट्रेड सेंटर की, जहां के ये हालात हैं और यहां के निवेशकों ने परेशान होकर बिल्डर पर ये आरोप लगाया है कि बिल्डर उनसे मेंटेनेंस तो लेता है लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर उनको कुछ भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जो निवेशक हैं उन्होंने यहां तक आरोप लगाया है कि मॉल के अंदर ना तो एस्केलेटर चलते हैं, ना लिफ्ट चलती है, लिफ्ट के बटन्स खराब हैं अगर कोई चलती भी है तो। इसके अलावा वहां पर समय समय पर बिजली काट दी जाती है। जो निवेशक है उनका ये कहना है कि कुछ महीने पहले तो जिला प्रशासन ने इस मॉल को सील इसलिए कर दिया था क्योंकि यहाँ का सीवेज सिस्टम ठीक नहीं था, जिसके बाद जितने भी निवेशक हैं उन्होंने सरकारी अधिकारियों के सामने गुहार लगाई और सशर्त उनके मॉल को खोला गया, उनकी दुकानों को खोला गया, जिसके बाद यहाँ पर दोबारा से कारोबार करने के लिए ये लोग आ पाए। लोगों का यहाँ तक आरोप है कि जब ये लोग इसकी शिकायत बिल्डर कंपनी में करते हैं तो उनको धमकाया जाता है, बाउंसर्स का डर दिखाया जाता है और पुलिस में वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, जिला प्रशासन के पास कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन इनका कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने इन निवेशकों से बातचीत की। आज आईएलडी ट्रेड सेंटर में इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया तो क्या कुछ समस्याएं इन्होंने अपनी सामने रखी है वो आपको सुनवाते हैं। गुरुग्राम में लगातार बिल्डर्स की जो मनमानी है वो बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम में काफ़ी बिल्डिंगें बना दी जाती हैं और लोगों को सिर्फ सपने दिखाकर ही बेचा जाता है, लेकिन उनमें जो भी समस्या आती हो उसके बारे में बिल्डर्स की जो मनमानी है वो बढ़ती जाती है। अगर समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज की जाती है तो लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे में आईएलडी ट्रेड नाम से जो एक बिल्डिंग है वहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी समस्या इतनी बढ़ गई है कि आज उन्हें इस हद तक आना पड़ा कि प्रदर्शन करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्या है। सर आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम राकेश कोल है। सर क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्याओं की लिस्ट तो मैं गिनाता रहूँगा तो कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा, लेकिन बेसिक समस्याएं आपको चार पांच बोलता हूँ। जब भी कोई इन्वेस्टर अपनी दुकान खरीदता है, अपनी ऑफिस खरीदता है तो इसलिए नहीं खरीदता है कि मुझे बिल्डर से लड़ाई करनी है, कि अपना व्यवसाय मैं ठीक से चला पाऊँ एंड अपना काम अपने एम्प्लॉय जितने उनको ठीक से पहुँचाऊँ। सर शिकायत की आपने? कोई गवर्नमेंट ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ शिकायत नहीं करी। एक मैं आपको एक छोटा सा एक वो अनुभव दे देता हूँ आपको। अप्रैल में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इस मॉल को एब्सोल्युटली सील कर दिया। हमें नहीं पता था किस लिए सील कर दिया, क्योंकि हम लोग सुबह ऑफिस आते हैं दुकान खोल दी इतना ही पता है। पता लग के चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाके मॉल हमने खुलवाया, हम ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं हम लोग उनकी निजी एफर्ट्स से ये मॉल खुल गया और पता लग गया कि कोई कंप्लाइंस है ही नहीं। मैं उनमें इन डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप खुद जाके देख लेंगे, क्योंकि हम उसमें डिटेल में इसलिए नहीं जाते हैं, पता लगा हमने फिर से शिकायत करी तो फिर से ये माल बंद हो गया। आप सोच लीजिए कि दोनों साइड से हमारी ही कितनी प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से सपोज आपको बोलूँ हमारे लिफ्ट ही नहीं चल रहे हैं, आप ये गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे, पता लगा माल बंद हो गया, भुगतभोगी हम ही हैं। और जब हम इनसे अप्रैल से अगस्त 5 महीने बंद रह के उसके बाद भी आप देखो इनकी हाइट ऑफ एरोगेंस देखो, हाइट ऑफ एग्जुबरेंस देखो, कि ये बंदा फिर भी लोगों को मेंटेनेंस भेजता है और बोलता है कि अगर आपको जाना है तो जाओ किसी गवर्नमेंट ऑफिस पे जाओ, जाओ किसी कमिश्नर ऑफिस जाओ। वी हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ऐसा कोई थाना नहीं है कि फाइनली आप विश्वास कर लीजिए कि पुरानी फ्राइडे को आई पर्सनली अलॉन्ग विद दिस एंटायर टीम आई टुक एन अपॉइंटमेंट विद द कमिश्नर ऑफ द गुड़गांव पुलिस। सर मेन समस्या क्या क्या हो रही है यहां? कुछ भी नहीं इस बिल्डिंग में, आप लिफ्ट जाके देख लीजिए लिफ्ट चल नहीं रहा है। आप नीचे चल जाइए बिल्डिंग में तो 7:30 बजे से शाम को 11 बजे तक सारे बदमाश यहीं नीचे शराब पीते हैं। आप अभी भी जाइए तो आपको बोतलें मिलेंगी, कोई वुमेन सिक्योरिटी का नाम ही नहीं है।
लेडीज़ वाशरूम का एक बार चक्कर आप लगा लीजिए, अगर आप दो मिनट लेडीज़ वाशरूम में रह सकते हैं, आई टेक एंटायर ब्लेम ऑन मान माई सेल्फ। आप लिफ्ट देख लीजिए, कोई आप एस्केलेटर एक बार देख लीजिए, खुद ही एस्केलेटर कोई भी नहीं चल रहा इस बिल्डिंग में। और दो इशू, मेजर दो इशूज़ है जिसको मैं प्रेस के माध्यम में नहीं रखना चाहता, क्योंकि प्रेस के माध्यम में ये डबल एजेड सवर्ड है, हम ही मर जाएंगे इसमें। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि ये बिल्डिंग ही कोलैप्स हो सकती है और गवर्नमेंट आके इसको फिर से सील कर देगी। सो पॉइंट इज कि अगर हमने एज इन्वेस्टर्स इसमें ऑफिस लिए हैं, इसमें शॉपकीपर लिए हैं और 22 रुपये 18 रुपये प्रति स्क्वायर फीट में मेंटेनेंस दे दूंगा, तो क्या मैं अधिकार रखता हूँ सुविधा पूछने की कि नहीं? या उस सुविधा पूछने के लिए मैं इनके ऑफिस जाऊँ तो वहाँ मुझे क्या बाउंसर पीटेगा? देर आर अराउंड 9 बाउंसर्स इन हिज ऑफिस एंड नोबडी कैन गो टू हिज ऑफिस। जैसे कि हमने बात की है, जो यहाँ के जो ओनर है उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी समस्या है, ना तो यहाँ पे लिफ्ट चलती है और जो नीचे जहाँ पे पार्किंग का जो एरिया है उसमें शाम के समय के बाद वहाँ पे लोग बाग आते हैं और ड्रिंक करते हैं। देखते हैं कि और जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये क्या क्या समस्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर वानी है, मेरा यहाँ पर एक यूनिट है। हमने 2 साल पहले यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर सेट करा था। डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए मैंने करोड़ों रुपया लगा दिया, लेकिन 2 साल में ही ड्यू टू द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द मॉल और जो धमकी आ रही थी इनसे, जो बिल्डर है उनके बाउंसर्स रोज़ रोज़ आते थे, हमें तंग कर रहे थे, बोल रहे थे कि ज़बरदस्ती हमसे मेंटेनेंस निकालने की कोशिश कर रही, और हमने दे दी मेंटेनेंस। 2 साल लगातार मेंटेनेंस देके मॉल की इतनी बदतर हालत हो गई कि मेरे को यहाँ से डायग्नोस्टिक सेंटर उठा के दूसरे सेक्टर में लगाना पड़ा और मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। तो अब जाके मैंने एक यूनिट यहाँ पे लिया, उसका पैसा मैंने दे दिया, मैंने एक डायग्नोस्टिक सेंटर सेट करा, उसका बैंक कितना है 18% के इंटरेस्ट के हिसाब से मैं बैंक को दे रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर इनकी नॉन मेंटेनेंस की वजह से नहीं चल रहा अभी तक। यहाँ पे हमें रोज़ रोज़ बिल्स आते हैं कि मेंटेनेंस दो, मेंटेनेंस दो, हम मेंटेनेंस दे रहे हैं लेकिन ये बिल्स गलत हमें दे रहे हैं, ये एनहेंस करके बिल्स दे रहे हैं। जब इनके ऑफिस में हम जा रहे हैं विद ए कंप्लेंट कि ये हमारा बिल नहीं है, इसको एनहेंस करके दिया है, वहाँ पे बाउंसर्स है, तो हमें डर लगता है इनके ऑफिस में भी जाने को, ये तो गुंडागर्दी पे आ रहे हैं। सर आप इनके शिकायत दर्ज करने के लिए जो गए थे तो वहाँ पे आपको धमकी दी थी? हम कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है जिसके दरवाजे पे हम नहीं गए, लेकिन टिल डेट FIR लॉज नहीं हुआ, खाली कंप्लेंट ले रहे हैं लेकिन FIR लॉज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है बिल्डर का इन्फ्लुएंस वहाँ पे आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, हमारा FIR तो लॉन्च कर लो, बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेंट जो है उसका तो रजिस्टर FIR होना चाहिए, अभी तक रजिस्टर FIR भी नहीं है। सर आपने शिकायत दर्ज कराई थी? बिल्कुल कराई है, कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ हमारी 2 दिन या 3 दिन पहले मीटिंग हो गई, लेकिन हमारी एक कंप्लेंट ली गई, लेकिन उस कंप्लेंट के अगेंस्ट हमारा FIR अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, और ऊपर से हमारे पास मेल आ रहे हैं ऑनर इनके बिल्डर्स के कि आप और पैसा दे दो ऑन द नेम ऑफ द मेंटेनेंस, दे आर ग्रैबिंग द मनी फ्रॉम अवर पॉकेट्स। मैम क्या नहीं समस्या हो रही है ये पूछिए, बेसिक हाइजीन से लेके वॉशरूम से लेके क्लीनिनेस से लेके अब आप खड़े हो इस मॉल में, आपको आप पसीने से भरे हुए हो। ये सेंट्रली एयर कंडीशन मॉल है जिसकी 22 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हम मेंटेनेंस पे करते हैं। मेरी 180 स्क्वायर फीट का क्लिनिक है विच इज़ अ वेरी स्मॉल क्लिनिक और मैंने अपना पर्सनल एसी इंस्टॉल कराया हुआ है, मेरे जैसे और बहुत सारे ओनर्स हैं जिनके पर्सनल एसीज हैं, तो आप सोचते हैं कि इतनी मेंटेनेंस देने के बाद भी कोई पर्सनल एसी डालेगा? आप सेंट्रली कितने पसीने में खड़े हैं, तो ये इश्यूज़ हैं, बेसिक हाइजीन इश्यूज़ है, वॉशरूम सारे ख़राब हैं, वॉशरूम क्लीन नहीं होते, मैं नहीं जाती वॉशरूम्स में, मैं होल्ड करती हूँ या बगल वाले मॉल में जाती हूँ। मैम शिकायत कहाँ कहाँ दर्ज कराई आपने? मैम शिकायत एक तो इनके पास मैंने मेरी कम से कम नहीं तो 20 मेल्स का पूरा रिकॉर्ड है जिसकी आज तक मुझे एक भी ऑन रिकॉर्ड मेल में आंसर नहीं आया जो मैंने अपनी ग्रीवियंसेज इनको दिए हैं। इसके अलावा मैंने अपनी पर्सनल फाइट इनके साथ में शुरू की हुई है, उसकी वजह से मुझे बहुत सारी थ्रेटनिंग मेल्स भी आती हैं कि आपकी बिजली काट दी जाएगी, पानी काट दिया जाएगा एंड ऑल दैट। इसके अलावा इन्होंने एक बार बिजली पानी मेरा काटा भी हुआ है बिना मेरी इन्फॉर्मेशन के, जब मैं काम कर रही थी, पेशेंट के प्रोसीजर कर रही थी, सर्जिकल प्रोसीजर, तो उसके बाद शाम तक रिक्वेस्ट करने के बाद चालू नहीं किया, मुझे अपने सारे प्रोसीजर्स बीच में रोक के पेशेंट्स को रेफ़र करना पड़ा किसी और जगह पे। तो इतने इनसेंसिटिव और डिक्टेटरशिप बिहेवियर है इन लोगों का। और जब इनके ऑफिस में जाते हैं तो सपोज़ आई गो एज अ वुमन तो वहाँ पे बहुत सारे इनके बाउंसर्स खड़े होते हैं एंड दे कॉल, मैडम क्या बात है, क्यों आए हो, किससे मिलना है? आई एम दी ओनर, आई एम द राइटफुल प्रॉपर्टी ओनर, आई हैव एवरी राइट टू मीट दी सर्विस प्रोवाइडर,
तो हु आर दे, और मुझे आज तक वहाँ पे घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा दो दो घंटे बिठा दिया जाता है, कोई मेरे से फ़ोन पे बातचीत नहीं करता, अल्टीमेटली मुझे नीचे आना पड़ता है, मैं मेल डालती हूँ, बताइए मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किससे बात करूँ? मैम नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा आप क्या लोगे, मतलब अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तो आप अगला कदम क्या उठाओगे? मैम वी हैव फुल फेथ ऑन आर जुडिशरी राइट, एंड अब एक आम इंसान अगर मैंगो मैन जिसको बोलते हैं अगर परेशान हो जाता है तो किसके पास जाएगा? सबसे पहले तो एक वॉइस के पास जाएगा विच आर यू पीपल, जो आप लोग हैं जो हमें आवाज़ देंगे, फिर वो आवाज़ जब हमारी और लोगों तक पहुंचेगी तो फिर हम हायर अथॉरिटीज़ के पास में जाएंगे कि देखिए ये हमारी जेन्युइन आवाज़ है जिसको लोगों ने एक्चुअली ऑन ग्राउंड अब आप आए हैं एंड यू विल सी ऑल दी प्रॉब्लम्स राइट, तो आप समझे, और फिर हम फ्रॉम दोज हायर अथॉरिटीज़ वी विल अप्रोच दी जुडिशरी, हम कोर्ट ऑफ लॉ के पास जाएंगे और हमें अपने कोर्ट्स पे पूरा भरोसा है कि सरकार हमें सपोर्ट करेगी इस बिल्डर के से छुटकारा पाने के लिए राइट, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा मैम पिछले चार महीने से ये मॉल सील हो गया था, बाहर तालाब लग गया था, वी वर नॉट इवन अलाउड टू एंटर, यहाँ पुलिस बैठी हुई थी, तो सोचिए चार महीने बिजनेस लॉस होना, मेरे पेशेंट्स का लॉस होना, उनका नुकसान होना जिनके मेरे ऊपर फेथ हो, या फिर लोगों का ब्रांड वैल्यू का नुकसान होना, इट्स अ बिग थिंग फॉर एनी बिजनेस। हम कमर्शियल प्लेसेस में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि हम एक ब्रांड वैल्यू, हम एक अपनी रेपुटेशन जनरेट करना चाहते हैं। मैं अपने किसी भी, मैं मूव आउट करने का सोच रही हूँ, बट इसलिए इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के कारण, इतनी हार्ड एंड मनी, मैं लॉस पे भी अपनी शॉप बेचने को तैयार हूँ इन सब कारण। और आप बार बार दुपट्टे से अपना पसीना पहुँच रहे हैं, प्लीज़ मैडम पे फोकस कीजिए, और ये सेंट्रली एयर कंडीशनड मॉल है जिसकी ये हालत है, और मैडम को बार बार दुपट्टे से पसीना पहुँचना पड़ रहा है, प्लीज़ फोकस ऑन मैडम वंस, एंड मैडम के नाक के आसपास पूरा पसीना है। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ इस बिल्डिंग में रहने वाले जो ओनर है उनसे बातचीत की, तो यहाँ पर लाइट की, पानी की और पार्किंग की हर तरह की समस्याएं हैं जो कि इतनी बढ़ गई हैं कि अगर ये बिल्डर्स के पास शिकायत लेके जाते हैं तो इन्हें धमकी भरे मेल भी आते हैं, और जो वहाँ पे जो बॉडीगार्ड होते हैं वो इनको धमकाते भी हैं कि जाओ तुम्हें जहाँ भी शिकायत करनी है आप कर सकते हो, लेकिन ये समस्या ऐसी की ऐसी रहेगी। जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की तो आपने देखा कि जो समस्या वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि जो इनकी शिकायतें इस पर कोई कार्रवाई की जाती है नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरे सहयोगी सुनील यादव के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। वहीं निवेशकों के आरोप पर जब हमने आईएलडी कंपनी के डायरेक्टर सलमान अकबर से बात की तो उन्होंने फोन पर जानकारी दी कि कुछ निवेशक ऐसे हैं जिनके ऊपर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है, और कुछ निवेशकों के ऊपर बिल्डर कंपनी के द्वारा केस भी दर्ज कराया गया है, एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें कि निवेशकों के ऊपर मारपीट करने का आरोप है। साथ ही साथ कंपनी के डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि जो निवेशक है वो समय से मेंटेनेंस खर्चा नहीं दे रहे हैं और इस तरह के प्रदर्शन करके वो बिल्डर कंपनी पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखना ये होगा कि जो हमारी सरकारी एजेंसीज हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, उनके पास जब ये शिकायत लेकर गए हैं निवेशक तो कहां तक और किस हद तक इनको राहत मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें जो आपके सामने हैं वो सारे हालात भी बयां कर रही है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।